हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टूडेंट स्पेशल शो में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर संडे को हम आपके लिए ये शो लेके आते हैं, लेकिन जो हमारे गेस्ट हैं उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, इस वजह से हम लोग आज इस शो को कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि इस शो का मतलब क्या है। मैं ये ऐसा शो मैं क्यों करता हूँ, जो भी मेरे व्यूअर हैं वो मेरे साथ जुड़ जाए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आज बहुत ही बेहतरीन बात होने वाली है आपके करियर की और आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस लाइव शो में। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस लाइव शो के जो लिंक है उसे आप शेयर करें और साथ ही साथ मुझे कमेंट करते रहें ताकि पता चले कि कौन कौन से हमारे लाइव शो में जुड़े हुए हैं। तो चलिए, मैं सबसे पहले आज आज के जो गेस्ट हैं थोड़ा सा मैं उनके बारे में बता दूं कि वो कौन हैं। और सबसे पहली बात मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं बच्चों कि अगर आप एक सपना रखते हो एक्टर बनने का, सिंगर बनने का और मॉडलिंग करने का, और भी बहुत कुछ आपके जीवन में सपना होगा, और उस सपने तक कैसे पहुँचा जा सके वो आपके साथ आज हमारे जो गेस्ट हैं वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप एक्टिंग फील्ड में आपके लिए करियर की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि लाइफ में किस तरीके से, ये कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप एक्टिंग करें, ये भी ज़रूरी है कि किस तरीके से आप अपने इंजीनियरिंग, मेडिकल और भी बहुत सारे ऐसे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिसको आप कैसे क्वालिफाई करें, ये भी जानकारी देंगे। ज़िंदगी में किस तरीके से आप अपने आप को खुश रखें वो भी आपको हमारे गेस्ट बताएंगे। तो मैं अपने व्यूअर से चाहूंगा कि एक बार प्लीज मुझे कमेंट्स करें, और जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो मुझे थोड़ा सा दिखना चाहिए। तो अब वक्त आ चुका है कि मैं अपने जो गेस्ट हैं उनको आपके सामने इंट्रोड्यूस करूं। और मैं थोड़ी सी पहले तो मैं बता दूं, आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी जरूर देखी होगी, सबने देखी है कि नहीं देखी है, प्लीज मुझे कमेंट्स कीजिए। गैंग्स ऑफ वासेपुर किस किस ने देखी है? गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी में आपने एक कैरेक्टर देखा होगा जिसमें जेपीसी के रोल में, उसमें एक बहुत ही शानदार डायलॉग है, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। और उसके जो मेन जिस डायलॉग में के जो मेन करता है वो आपके साथ होंगे। साथ ही साथ अभी लेटेस्ट हाल फिलहाल में 1B के अंदर में उनकी मूवी आई है, और उनका मूवी है आपका शेरनी, में उन्होंने बहुत अच्छा सा काम किया है। साथ ही साथ आपका महारानी हो गया, उसके बाद अभी वेब सीरीज जिसमें ग्रान, क्या शानदार वेब सीरीज है, मैं तो भाई देखा तो एकदम लगातार एक 7th एपिसोड मैंने देखते ही रह गया उसको, तो क्या शानदार काम किया है। तो चलिए मैं उनको इंट्रोड्यूस करता हूँ। और सबसे पहले मैं बता दूँ कि हमारे बहुत अच्छे, मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ और वो हमारे रोल मॉडल भी हैं। तो चलिए सर, स्वागत है आपका हमारे स्टूडेंट स्पेशल शो में। सर स्वागत है आपका हमारे स्टूडेंट स्पेशल शो में। मेरी आवाज जा रही है सर? हेलो। हाँ सर, मेरी आवाज जा रही है आपको? हाँ, वो बीच में कॉल आ गया था एक, जैसे ही आपने बोला वैसे ही। तो सबसे पहले सबको नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है, और मृणाल आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया दिल से कि आज मौका मिल रहा है कि बच्चों से बात करने का। जी सर, बहुत अच्छा लगता है सर बच्चों से बात करना। और साथ ही साथ सर, मैं आप मेरे जितने भी लिसनर हैं, अब शायद इस चेहरे को आप पहचान रहे होंगे कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा इसमें। सर मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा सर अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टली रोटेट कर लें। अच्छा, ओके। हाँ ये शायद, हाँ अभी शायद सही है ना? जी सर बिल्कुल। सबसे पहले सर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी जो भी धाकड़ मूवी अभी आई है उसके लिए सर आपको बहुत बहुत बधाई हो। सर उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। थैंक यू सो मच मृणाल,
और किसके बारे में आपने पुत्रों आवाज नहीं आई, किसके बारे में? अभी जो भी आपकी सर लेटेस्ट मूवी आई है सर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, ओके। अभी मेरे तीन प्रोजेक्ट्स आए हैं अभी, एक दो वेब सीरीज, एक महारानी नाम था जो सोनी लिव पे आया था, जो बिहार बेस्ड पॉलिटिकल ड्रामा था, राबड़ी देवी और उससे इंस्पायर्ड कहते हैं वो लोग। और उसके बाद एक आई फिल्म शेरनी। शेरनी अगर कहा जाए तो भारत की एक बहुत बड़ी फिल्म है, और इसके दो वजह है बड़ी होने का। एक तो है कि 2018 में भारत से ऑस्कर के लिए एक फिल्म गई थी जिसका नाम था जी सर, न्यूटन। अच्छा जी सर, न्यूटन फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो ऑस्कर तक जा चुकी है उनकी फिल्म में। न्यूटन के बाद ये उनकी पहली फिल्म है शेरनी, तो एक बड़ी फिल्म है, बड़े डायरेक्टर हैं जो ऑस्कर तक अपनी फिल्मों को पहुंचा चुके हैं, उनकी फिल्म है। और दूसरा इसलिए बड़ी है क्योंकि उसमें विद्या बालन है। तो विद्या बालन एक भारतीय सिनेमा के आज के डेट में वो एक्ट्रेस हैं जिनको मुझे लगता है कि बच्चा से लेकर बुढ़ा तक हर आदमी पसंद करता है और हर आदमी उनकी फिल्मों को बैठ के देख सकता है। ऐसे बहुत रेयर एक्ट्रेसेज हैं भारत में जिनकी हर फिल्म में आप सब कोई बैठ के देख सकता है। तो ये दो बड़ी फिल्म है। इशू बहुत प्यारा है उस फिल्म का, जो सब्जेक्ट है सेफ टाइगर्स, नेचर, एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच के क्या रिलेशन है, कैसे उसको रखा जाए, ये सब्जेक्ट है फिल्म का। और बहुत बड़े पैमाने पर इसकी तारीफ हो रही है। तो शेरनी फिल्म में बहुत ही अहम और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और उसके बाद ग्रहण। ग्रहण एक ऐसा वेब सीरीज है जिसने अब तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभी कल का न्यूज आया है कि सबसे ज्यादा देखे जाने वाला जो शो है वो है ग्रहण। 6.2 मिलियन लोगों ने देखा है। जी सर बिल्कुल। तो ग्रहण में भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एक, बहुत कुछ तीन चार ट्रैक हैं कहानी में, उसमें से एक ट्रैक मेरा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जो भी काम हो रहा है, बड़े लेवल पे काम हो रहा है, बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ काम हो रहा है। ग्रहण एक लिटरेचर बेस्ड पहला ऐसा वेब सीरीज है जिसको लोगों ने पसंद किया। नहीं तो वेब सीरीज का मतलब ये हो जाता है गाली गलौज, आप वायलेंस दिखाइए, पता नहीं क्या क्या। इसमें अगर आपने मेरा नाम देखा है तो इसमें जी प्यार है, सर, इसमें इसमें इश्क है, इसमें साहित्य है, इसमें ह्यूमन वैल्यूज है, ये सारी चीजें हैं। सर सीएम तो वन को कैसा लगा था सर आपको? बहुत अच्छा लगा था इसलिए क्योंकि बड़ा प्रोडक्शन था, तो सीएम जैसा एक्चुअल में बिहेव होता था वहां। जी सर, बड़े लोग थे तो आपके कपड़े सीएम जैसा था, आप हमेशा सेट पे लोग सीएम साहब ही बोलते थे। कपड़े सीएम साहब जैसा होता था, गाड़ी होती थी। आप जब भी मैं सेट पे जाता था तो कम से कम 10-15 ब्लैक कमांडो टाइप के लोग खड़े रहते थे, और सीएम साहब आ गए, सीएम साहब आ गए। तो वाकई में शूट के दौरान लगता था कि सीएम ही है। बहुत मजा आ रहा जी था, बहुत मजा आ रहा था। और आपने देखा होगा, प्लीज। काम भी काम जी सर, जी सर, मजा आया होगा। सर मैं तो फिल्म के साथ साथ मैं तो आपसे सर रियल लाइफ में मिला हूँ और मैं लेकिन उस चीज को तो जानता हूँ। लेकिन जितना उसमें मैं गंभीर दिख रहा हूं उतना मैं जी रियल में सर, नहीं कहां नहीं हूं। बिल्कुल। मेरे को याद है सर कि जब हम लोग मिले थे तो उस समय भी आप एकदम पॉलिटिकल टाइप जो बिहेव करते हो वो सर आपके अंदर दिखता है वो चीज है। हाँ थोड़ा है, इसलिए तो शायद हो गया जी वो, सर, ठीक है। बट पॉलिटिक्स जी में नहीं सर, जाना है, ये क्लियर है। पॉलिटिक्स यस सर, ऑन स्क्रीन, ओनली ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन नहीं। सर एक्चुअली थोड़ा सा बच्चों बच्चों से रिलेटेड ये शो है तो हम लोग उस पे आ जाते हैं। जी और सर अभी तक का जो जर्नी रहा आपका एकदम शुरुआत से अभी तक, आपने इतनी सारी मूवी किया, बहुत अच्छी अच्छी मूवी में काम किया सर, एकदम थोड़ा सा जर्नी के बारे में आप बताइए कि सर इस जर्नी में आपको कैसा मतलब फील हुआ, क्या क्या स्ट्रगल झेलने पड़े, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मुझे लगता है सर कि कैसे आपने एक्टर, हम लोग तो सर सोच ही नहीं सकते, हम लोग तो पढ़ाई इंजीनियरिंग डॉक्टर के अलावा कुछ सोचते भी नहीं है, और आपने सर हटके बिल्कुल किया और आप बिहार से आते हैं सर, काबिले तारीफ है, इसके बारे में बताइए सर। देखिए इसके बारे में क्या था कि बात 10th क्लास में जब मैं था तो घर वाले, हम लोग भी पढ़ने वाले घर से, हमारे पिताजी भी टीचर हैं, मेरे भैया प्रोफेसर हैं, मेरे चाचा प्रिंसिपल हैं, तो हम लोग का भी जो पूरी फैमिली है वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, सब टीचर प्रोफेसर ही हमारे घर में। पढ़ने का माहौल था शुरू से, लेकिन थोड़ा पढ़ने में मैं वीक था। और मेरे जो घर वाले चाहते थे कि पटना में जो साइंस कॉलेज है वहां पे जी सर, मेरा एडमिशन एडमिशन हो जाए, क्योंकि मेरे बड़े भाई वहां पढ़ते थे।
तो उनके मार्क्स अच्छे थे, मेरे मार्क्स उतने नहीं थे जितने होने चाहिए थे, साइंस कॉलेज के जितने रिक्वायरमेंट। तो घर वालों का ये था कि चलो मार्क्स का में तो कोई बात नहीं है, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज होती है उसके बेस पे नाम लिखवाया जाए। तो उन लोगों ने मुझे नाटक में डाला कि आप जाके नाटक की तैयारी कीजिए, वहां पे ट्रायल देंगे आप, और नाटक के थ्रू, नाटक के जो कोटा आता है, कोटा पे हम आपका एडमिशन के लिए बात करेंगे। तो नाटक में उस तरह से घुसा और नाटक सीखने लगा। कॉलेज में जब ट्रायल दिया तो कॉलेज में मेरा हुआ नहीं, क्योंकि तो मुझसे भी अच्छे अच्छे लोग वहां पे आए थे और जिनके सोर्सेस थे जी सर, ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोर्स थे। तो मेरा नाटक में एडमिशन तो नहीं हुआ, लेकिन नाटक से अच्छा लगा, ये कुछ लगा कि ये तो अलग चीज कर रहे, पढ़ाई के अलावा कुछ अलग काम हो रहा है। तो नाटक करने लगे, घर वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमारे घर में बाबू जी वगैरह कभी मना नहीं करते थे कि आप ये काम मत करो। लेकिन 2 साल जब होने लगा, मतलब मैं 11th क्रॉस किया, तो घर वालों से मना होना शुरू हो गया कि अब नहीं करना ये सब, जितना तुमको ड्रामा करना था कर लिए, अब तुमको पढ़ाई करना है और इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है। तो चूंकि हमारे घर में थोड़ी सी इतनी फैसिलिटी थी कि हम बाबूजी से खुल के बात कर सकते थे, जी तो मैंने अपने बाबूजी से बोला कि मुझे इंजीनियरिंग वगैरह नहीं कराना है, आप क्यों मुझे जबरदस्ती करा रहे हो, मेरा मन लग रहा है इसमें, तो आप मुझे वो काम कराओ। तो वो बोले कि तुमको जो करना है करो, लेकिन ये भी करना होगा। तो मैंने कहा ये कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे बीच इतनी बात होती थी कि हम खुल के बात कर सकते थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुमको करना है इंजीनियर, बस जितना नाटक और नहीं करना था, लोग हंसेंगे, लोग क्या बोलेंगे कि ये देखो टीचर का लड़का होके ड्रामा करता है, नाचने जाता है, डांस करने जाता है, जो सोशल सोसाइटी में लोग जिस तरह के भाषाओं का उपयोग करते हैं। तो इसी में द्वंद चलता रहा, मैं भी अपने जिद पर अड़ा रहा, मैंने कहा कि नहीं मैं तो यही करूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं तुमको ये नहीं करने दूंगा, और हमारे बीच एक थोड़ी सी मनमुटाव हुई, लड़ाई हुई, मेरे बाबूजी मुझे मना कर दिए, और जितने भी नाटक करने वाले थे सब बाबूजी के स्टूडेंट थे, तो सबको उन्होंने बुला के बोल दिया कि इसको नाटक नहीं कराना है। मुझे ये बात बड़ा बुरा लगा कि ये क्या तरीका है कि मतलब एक तो आप हमें मना करते हो, उनको भी जाके मना कर दिया आपने, ये गलत बात है ऐसा। तो बाबूजी से थोड़ी लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई तो बातचीत बंद हो गई। ऐसा था कि आपसे बात नहीं करेंगे, आप ऐसे फादर हैं जो अपने बच्चों को समझता ही नहीं है कोई, कैसे फादर हैं आप इस तरह के। चूंकि हमारे पास लिबर्टी था कि आप बोल सकते थे, तो यस सर, उन्होंने बोला कि नहीं, जो तुमको करना करना, नहीं करना मत करो, ये करो। मैंने उनको बहुत खुल के बोला कि आप जो पैसा मुझे इंजीनियरिंग में लगा रहे हो, उसी पैसे में मुझे मेरे काम में लगाओ, मैं आपको रिटर्न दूंगा। जिस काम में मेरा मन ही नहीं, आप जबरदस्ती क्यों करा रहे हो मुझे ऐसा। तो सुनता कौन है, ऐसा था, कौन सुनता है, हमारे यहाँ तो कोई सुनता नहीं है। तो बाबूजी भी नहीं सुने, और उन्होंने जबरदस्ती मुझे बोला कि नहीं तुमको यही करना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है भाई, अब जब पेरेंट्स तैयारी नहीं हो रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन दिमाग के किसी कोने में एक था कि मैं अभी मौका ढूंढूंगा कि क्या कर सकता हूँ। तो उस क्या करने मुझे समझ में आया कि मैं अभी 12th में अच्छा मार्क्स लाऊंगा, और इसके लिए मुझे खूब पढ़ाई करूंगा, मैं खूब पढ़ाई करूंगा और अच्छा मार्क्स लाऊंगा, और अच्छा मार्क्स ला के मैं दिल्ली जाऊंगा आगे की पढ़ाई के लिए। और जब दिल्ली जाऊंगा तो वहां पे पढ़ाई भी करूंगा और थिएटर भी करूंगा, बाबूजी को थोड़ी पता चलने वाला है ऐसा। तो लेकिन उसकी एक शर्त थी कि हमको अच्छे से पढ़ना था, क्योंकि अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरी एडमिशन नहीं होती। तो नाटक की वजह से ही, या मेरे अपने सपने थे उसकी वजह से, थोड़ी सी पढ़ाई में जो मैं इंटरेस्ट कम था वो बढ़ गया, क्योंकि एक रास्ता मुझे उससे दिखाई दिया। अब 12th हुआ मेरा, 12th हुआ, लेकिन यहाँ पे मेरी गड़बड़ ये होगी कि जब हमारे यहाँ रिजल्ट निकला था, जब मेरा 12th हुआ था 94 के आसपास, तो उस समय रिजल्ट तो आउट हो गया था, बट हमारे हाथ में मार्कशीट नहीं था, ऑनलाइन तो था नहीं तभी। मार्कशीट नहीं होने की वजह से मैं जब दिल्ली गया तो लेट हो चुका था, मेरा एडमिशन उस साल नहीं हो पाया। तो मैं वापस घर आया, फिर से तैयारी हुई, और नेक्स्ट ईयर में गया कि मैं एडमिशन हो ना हो मुझे जाना है। और फादर से बातचीत हुई तो फादर ने मुझे फिर से एक शर्त रख डाली, उन्होंने बोला कि तुमको जाना है जाओ, लेकिन मैं एक पैसा नहीं दूंगा तुम्हें। तो फिर से मेरी थोड़ी लड़ाई उनसे हुई कि ये क्या मतलब हुआ, पैसा नहीं देंगे तो मैं कहाँ से पैसा लाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मतलब ये क्या मतलब हुआ ऐसा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं तुमको अपना करना है, शौक पूरा करना है, अपने मन से करो। तो वहां से फिर एक नई जिंदगी, एक नई सोच शुरू हुई कि यार अब तो पैसा लाना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अगर सब सपने पूरा करना है। तो ये मेहनत करने वाली बात फिर से आ गई कि अगर सपना पूरा करना है तो बैठे बैठा ही नहीं मिलेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने भी ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया 4th-5th क्लास के बच्चों का,
कि इससे पैसे कमाऊंगा और पैसे इकट्ठा करके जाऊंगा। लेकिन उस समय 12-15 रुपए हुआ करता था फोर्थ क्लास के बच्चों का, मैं 94 की बात कर रहा हूँ। जी सर। तो मुझे लगा कि 12-15 रुपया कमा कमा के तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, दिल्ली जा ही नहीं पाऊंगा। तो अब क्या किया जाए, तो उसमें थोड़ी सी बुद्धि और खुली। क्योंकि क्या था कि सपना पूरा, सपने की बात आप कर रहे थे अभी, तो मैं उसी से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ। तो जब सपने की बात आई तो लगा कि थोड़ा दिमाग खोलो भाई, क्योंकि पूरा करना है सपना। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि ऐसा क्या रास्ता है जहां मेरे पास पैसे भी आ जाए और मैं दिल्ली भी चला जाऊं और दिल्ली जाके वहां पे जॉब करूंगा या कोई काम पकड़ूंगा ताकि बाबूजी से पैसे ना लेना पड़े। इस तरह से मैच्योर होता गया दिमाग। तो मुझे ये समझ में आया कि बाबूजी जो मेरे पढ़ाते हैं ट्यूशन, वो पैसा लोगों बच्चों से मांगते नहीं है, बहुत बकाया रहता है। हो सकता है आपका भी बहुत सारा पैसा बकाया रहा हो। तो मुझे लगा कि वो जो बकाया पैसा है बाबूजी का, उसको वसूला जाए तो इकट्ठा इकट्ठा मोटा पैसा हो जाएगा। अच्छा। और उस टाइम पे, हाँ उस टाइम पे 94 में मैंने 20,000 रुपए का लिस्ट निकाला था बाबूजी का, और बिना उनको बताए उनके डायरी उठाया और डायरी से मैंने देखा कि भाई तीन तीन साल चार चार साल पुराने लोग पैसा नहीं दिए हुए, एक एक आदमी बस बहुत बहुत पैसा बचा हुआ है। तो एक लिस्ट बनाया और लिस्ट बनाने के बाद मैंने सोचा कि मैं जब तक इस पैसे को वसूलूंगा नहीं तब तक मैं दिल्ली जा नहीं पाऊंगा, जब तक मेरे सपने पूरे नहीं होंगे। तो वसूलना मेरे लिए अनिवार्य हो गया था। तो वहां फिर दिमाग लगाया कि ऐसा क्या करें कि पैसा वसूला जाए, क्योंकि वसूलने वाले नेचर के हम है नहीं कि किसी के घर जाके पैसा वसूला जाए, और पैसा देता कौन है, 3 साल पहले का कौन देगा पैसा ऐसा। तो वहां से दिमाग लगी कि नहीं भाई, पैसा तो वसूलना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो जा जाके मांगे पैसा, मांगा गया, क्योंकि मरता क्या नहीं करता वाली स्थिति थी। तो पैसा मांगा गया कि नहीं आप दे दीजिए, कैसे नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, उनको खराब भी बोलना पड़ा, तो बोले गए। खैर फाइनली 12,000 रुपए, जरूरत ज्यादा थी, और 12,000 रुपए में वसूल के लाया। ज्यादा नहीं थी, मतलब उसके अलावा कुछ था ही नहीं आपके पास जीवन में रास्ते, एक ही विकल्प नहीं था लाइफ में। तो 12,000 रुपए वसूल के आया, और उसके बाद मैं लेके आया तो बड़ा मजा आया। 12,000 रुपया बहुत बहुत पैसा होता था, अभी भी है। तो पैसा लाने के बाद मैंने बाबूजी से बोला कि अपने जो हमारी भोजपुरी भाषा है, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, तो मैंने बाबूजी को बोला कि रुआ से कुछ बात करे कबा। तो बोले कि क्या बात करे कबा, हमने कि बैठी दरुआ के बताए क्या बात करे कबा। फिर बाबूजी बैठे और उनके सामने मैंने पैसा रखा 12,000 रुपया। तो बोले अरे पैसा कहाँ से तुम लाए इतना। मैंने कहा कि चुरा उरा के थोड़ी देर से लाऊंगा, बैंक लूट के लाऊंगा। ये आपका बकाया पैसा था जिसको मैंने वसूला है, तो 6,000 रुपए आपके और 6,000 मेरे। तो आप अपना 6,000 रुपए रखिए और मैं अपना 6,000 रुपए रखता हूँ। अब मैं दिल्ली जाऊंगा, आप मुझे रोक नहीं सकते क्योंकि आपने शर्त रखी। तो वो नहीं रोके मुझे, मैं दिल्ली निकल गया। दिल्ली जाने के बाद वहां पे थिएटर ग्रुप था, स्मिता थिएटर ग्रुप, अरविंद गौड़ जी का बहुत बड़ा थिएटर ग्रुप है आज के डेट में, भारत का एक बहुत बड़ा थिएटर ग्रुप है। लेकिन मुझे इन बिटवीन सब पता था कि पढ़ना होगा, तरीके से जाना होगा, ऐसे ही खाली हसरत हीरो बनना है, फिल्म में काम करना है और अपने उठाया बैग और चल दिया, ऐसा नहीं था। जैसे पढ़ाई होती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, डॉक्टरेट की पढ़ाई होती है, डॉक्टर बनने के लिए आप तैयारी करते हैं, वैसे आर्टिस्ट बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए भी पढ़ाई की जरूरत होती है। आपको जानना होता है कि एक्टिंग क्या है, कैसे करते हैं, और 50 तरह के जैसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूलाज होते हैं, वैसे ही एक्टिंग के भी आप जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे बहुत तरह के फॉर्मूलाज आपको पता ही नहीं चलेगा, उसके भी बहुत सारे फॉर्मूला होता है। तो दिल्ली गया, दिल्ली जाने के बाद अरविंद गौड़ के साथ काम किया वहां पे, और वहां एक समझ में मुझे आया वाकई में कि जो अब तक मैं आराम में नाटक करता था वो कोई नाटक था ही नहीं, उसको एक्टिंग तो कहते ही नहीं है, वो तो ऐसी है आप अपने स्टेज पे चढ़ गए, जो दिल किया वो बोल दिया ऐसा। तो वहां एक प्रॉपर रास्ता मिला, एक दिशा मिला, एक दिशा निर्देश मिला कि भाई एक्टिंग क्या होती है, कैसे करना होता है। फिर वहां मुझे देखने को मिला कि मैं अपने शहर में लगता था कि मैं सबसे बड़ा किस्मार खान हूं, मुझसे बेहतर तो कोई एक्टर है ही नहीं। लेकिन जब दिल्ली गया तो पता चला कि एक से एक किस्मार खान बैठे हुए हैं, आप तो कुछ है नहीं उनके सामने। तो ये भटक खुला वहां से कि नहीं, हमको प्रॉपर तैयारी करनी होगी, पढ़ाई करना होगा, स्टडी करना होगा, प्लस इस पे कार्य करना होगा, क्योंकि एक्टिंग प्रैक्टिकल काम है, जैसे स्टडी प्रैक्टिकल काम है वैसे स्टडी जैसे लगातार करना है वैसे एक्टिंग भी लगातार करनी पड़ेगी। तो इस तरह की चीजें समझ में आई, और आने के बाद मुंबई हुआ कि चलो अब अगला मुकाम मुंबई है, क्योंकि फिल्म में काम करना था।
मुंबई आया गया। मुंबई आने के बाद एक नई चीज दुनिया, एक जो सिनेमा था आज तक हम पर्दे पे देखा करते थे, अब उस सिनेमा में हिस्सा बनना था, एक अलग सिस्टम था। बहुत तो 3-4 महीने लग समझ ही में नहीं आया कि मुंबई को समझने में लग गया 5-6 महीना के क्या है कैसे है। अच्छा, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए फिजिकली जाना पड़ता था, अब तो ऑनलाइन से आप एक बार टाइप करो सब कुछ मिल जाता है सामने, फिजिकली जाना पड़ता था। तो बहुत समय लग गया समझने में कि यहाँ का सिस्टम क्या है, ये रन कैसे करता है, इसका फंक्शन कैसे होता है। तो वहां पता चला कि भाई आपको डायरेक्टर से मिलना होता है, आप डायरेक्टर से जिस दिन मिल लेंगे उनको अपना काम दिखाएंगे, आप अपना फोटो दिखाएंगे और वो आपसे पूछेंगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने क्या किया है, तो आपको बताना होता है कि मैंने ये किया वो किया सारी चीजें। तो उनको लगता है कि ओके चलो ये करके कुछ आया, तो कुछ करके आने वाले लोगों का हमेशा से वेलकम रहा है। लेकिन एक सडनली बिना किए कुछ चले आए कि बस हम तो अपना मन किया और गांव से उठे और चले आए मुंबई हीरो बनना, हमको वैसे लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस वो नहीं देते थे, वो समझाते थे कि आप जाइए घर पे अपने तरीके से आइए, इस तरह की बात करते। और चलता रहा फिर, क्योंकि रहना था सर्वाइव करना था, इंडिपेंडेंट तो बाबूजी ने आराम ही कर दिया था। ये जो मोदी जी आत्मनिर्भर की बात कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री महोदय, हमारे पिताजी ने 94 में मुझे समझा दिया था कि आत्मनिर्भर हो जाओ तो। आत्मनिर्भर हो जाए। हाँ, तो मैं 94 से ही आत्मनिर्भर हूं मैं, ऐसा। ठीक है, तो आत्मनिर्भर का वाकई बहुत फायदा होता है, आप जिम्मेदार हो जाते हैं, अपनी खुद की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं, आप अपने सपनों की जिम्मेदारियां लेना शुरू करते हैं। जो आदमी जिम्मेदारियां लेना शुरू कर देता है उस आदमी को कितना सक्सेस होगा, कितना पड़ा होगा मुझे नहीं पता, कितना समय लगेगा, लेकिन होने से कोई रोक नहीं सकता, ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। तो यहाँ पर चली सारी चीजें, बहुत तरह के चीजों को फेस करना पड़ा। जी सबसे सर, खास बात, वो फेस करना पड़ा कि चूंकि मैं बिहार से था तो मेरी जो एक्सेंट थी, बातचीत करने का जो तरीका था, बिहारी वो टोन। बिहारी टोन था। तो कोई भी आदमी, जैसे कोई राजस्थान का है, जिंदगी भर राजस्थान में रहा है, तो उसका राजस्थानी टोन आएगा, राजस्थानी टोन आएगा, राइट। जो दिल्ली में है वो दिल्ली का आएगा, जो बिहार में बिहार का आएगा, जो कलकत्ता में इसको अपने आएगा, तो सबका आता है। लेकिन लेकिन यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे हिंदी सिनेमा बनती है, और सिनेमा की जो हिंदी है वो बिहार वाली हिंदी नहीं है, वो राजस्थान वाली हिंदी नहीं है, वो बंगाल वाली हिंदी नहीं है, सिनेमा की हिंदी अलग हिंदी है, जिसे आज के डेट में कहा है तो दिल्ली वाली जो हिंदी है उसको सिनेमा की हिंदी मान लिया गया। तो वहां बड़ा प्रॉब्लम होता था कि जो भी रोल भी मुझे करेक्ट मिले शुरू शुरू में तो बिहार का ही मिले, कि तुम एक बिहारी कैरेक्टर वही करना, तो क्यों नहीं, तुम बोलते हो तो बिहारी बिहारी एक्सेंट आता है। तो ये समझ नहीं थी मुझे कि नहीं भाई, अगर आपको हिंदी फिल्म में काम करना है, प्रॉपर काम करना है, हर भाषा हर हर जगह की कहानियों में आपको फिट होना है, तो आपको लैंग्वेज अपनी ठीक करनी होगी। ठीक करने का मतलब वो लैंग्वेज आना होगा जिस लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, तो उस पे कार्य हुआ। बहुत सारी तरह से चीजें, ऑडिशन देना, लोगों से मिलना, चलता रहा। प्लस एक अपना, चूंकि बैकग्राउंड ऐसा था मेरे घर का परिवार का, चूंकि शिक्षक परिवार से था मैं, शुरू से क्लियर था कि मैं जिंदगी में काम नहीं करना है जिससे मुझे छिपाना पड़े अपने पेरेंट्स, उनको ना बता पाऊं, मैं वैसा काम नहीं करना है। तो बीच में आते बहुत तरह के काम, बी ग्रेड के काम, सी ग्रेड की फिल्म काम आते थे, अजीब अजीब से काम आते थे, लेकिन दिमाग नहीं होता था कि ये काम मैं करूंगा तो क्या मैं अपने बाबूजी को बता पाऊंगा कि बाबूजी मैंने काम किया है। जैसे अभी मैं शेरनी के बारे में इतना बड़ा बड़ा बता रहा हूँ, ग्रहण के बारे में इतना बड़ा चौड़ा बता रहा हूँ, तो क्या मैं बता जी सर, पाऊंगा, तो आता था कि नहीं नहीं बता पाऊंगा, तो वो काम नहीं करना। तो वो काम भी आप करेंगे नहीं, आपके लाइफ में बहुत सारे अपने प्रिंसिपल बना लेंगे, काम करेंगे नहीं, पैसा आपको घर से मिल नहीं रहा है, तो तकलीफ होगी। बिल्कुल तो ये जो स्ट्रगल है, ये स्ट्रगल एक अलग तरह का स्ट्रगल है कि आपको अपने सपने को पूरा करना है, अपने शर्त पे, अपनी जो चीजें हैं उसमें ही, कुछ गलत मजा काम देता है नहीं करना है। ये हाँ, स्ट्रगल, मजा देता लेकिन है, हाँ मजा देता है, मतलब आपको मजबूत बनाता है, तोड़ आप मजबूत मतलब बनाता वो तोड़ने वाला हिंदी होता है, तो अगर आप नहीं टूटते हैं तो मजबूत बनते हैं, आप है। डिस्ट्रैक्ट नहीं बिल्कुल, होते हैं, आप डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। तो चलता रहा, लेकिन ये सारा काम करना है, बड़ा काम करना है, तो घर सर्वाइविंग किए भी चाहिए, तो उसके लिए बहुत सारा सीरियल किया गया शुरू शुरू में, बहुत सीरियल किया मैंने, जी टीवी के लिए सीरियल किया, स्टार के लिए, सहारा के लिए सीरियल किया, सोनी के लिए सीरियल किया। तो ये वो काम था जिससे कि मेरे सर्वाइविंग हो, मेरा पर्सनली सर्वाइविंग हो मुंबई में, मेरे सपनों का तो बहुत दूर की बात है,
कि हम सरवाइव तो करें, हमें बॉम्बे में रहने के लिए पैसे की जरूरत होती है, घर चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए चीजें तो चाहिए। कि आप आए हैं एक्टर बनने के लिए और आपके पास खाना ही नहीं खा रहे हैं आप, आपका शक्ल खराब हो गया, तो क्या कोई कास्टिंग करेगा आपकी? तो उसका तो ध्यान देना है कि आप एटलीस्ट स्वस्थ दिखें, हेल्दी दिखें आप। तो स्वस्थ दिखने के लिए पैसे का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि खाना अच्छे टाइम पे खाएंगे तो वो सारी चीजें। तो सीरियल में किया गया, और लेकिन चेजिंग चेजिंग चलता रहा कि कुछ बड़ा काम करना है, बड़ा काम करना है, बड़े लोगों साथ काम करना है, बड़ी फिल्म करनी है, इस तरह का चलता रहा। उसी में कई सारी फिल्में भी छोटी बड़ी आई, लेकिन फाइनली जो मिला एक मुकाम वो था गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो वो पहले पता था कि ये फिल्म बहुत बड़ी फिल्म होने वाली है, क्योंकि अनुराग कश्यप ऑलरेडी आदमी हो चुके थे, लोग उनको जानते थे कि ये बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं, बहुत पढ़े लिखे डायरेक्टर हैं, विदेशों में इनकी फिल्मों को बहुत सराहा जाता है। तो गैंग्स ऑफ वासेपुर आई फिल्म, और 10 साल लग गए बॉम्बे आने के बाद, 10 साल के आसपास लग गया गैंग्स ऑफ वासेपुर तक पहुंचने। लेकिन गैंग्स ऑफ वासेपुर ने सारा जो काम था वो 10 साल का काम एक झटके में सब उसने बैलेंस कर दिया। लेकिन वो धागर रोल था सर एकदम, हाँ, बैलेंस कर दिया। हाँ, बैलेंस कर दिया उसने, नाम दिया, शोहरत दिया, कॉन्टेक्ट दिए, नए कॉन्टेक्ट दिए, बहुत सारे। और मेरे सपने थे जो आप जानते हैं, जो सामाजिक कार्य में जुड़ा हुआ हूँ मैं, अपनी भाषा के लिए, चाहे 50 काम के लिए, उसमें हेल्प किया। तो एक झटके में उसने छक्का मार दिया पूरी, और फिर करवा बढ़ता गया, फिर बहुत सारे काम हुए, फिर वही बात आई कि फिर अच्छाई काम करना है, ये काम करना है। बीच में मैं सोशल वर्क में चला गया, तो इसका थोड़ा इम्पैक्ट मेरे कैरियर पे खराब पड़ गया। सिनेमा के जो लोग थे, मेरे मित्र दोस्त यार लोग थे, जो उनको लगता था कि सिनेमा उन्हें छोड़ छाड़ के सामाजिक काम करता है, तो ये मुझे समझ में आया 4 साल के बाद। जब मैं 4 साल तक काम करता रहा तो समझ में आया कि अरे यार, मैं तो किसी और सोच से सामाजिक काम कर रहा हूँ, और यहाँ लोगों को लग रहा है कि यार तो मैं तो सिनेमा में काम ही नहीं करता, तो सामाजिक काम करता हूँ। तो वहां पे फिर थोड़ा सा दिमाग लगाया गया कि ओके, जो सिनेमा सामाजिक कार्य है वो सिनेमा वालों को बताने की जरूरत नहीं है, और कार्य तो मुझे करते रहना है, तो मैं कार्य करता रहा। वो भी उसके बाद दो तरह के मेरे अपने चलते रहे लाइफ में, सिनेमा और सोशल वर्क जो है, दोनों चलता रहा, और अच्छे काम, बड़े काम, ये काम, वो काम, सब चलता रहा। उसमें फाइनली शेरनी आई, एक बहुत बड़ी फिल्म जो आने वाले अभी कई साल तक मेरा बैलेंस कर दिया है, ऑलरेडी कर चुका है, कई सारे प्रोजेक्ट्स मेरे पास, मेरे पास अभी 8 बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, ग्रहण इस तरीके से है। हाँ, ग्रहण आया, ग्रहण ने शेरनी से भी कई कदम आगे मेरे लिए काम कर रहा है, क्योंकि ग्रहण में कमर्शियल फील्ड है जी सर, तो ये ज्यादा अप्रिशिएशन हो रहा है, ज्यादा सिनेमा के लोग हमको कॉल, रोज लगातार उन्हीं चीजों में फंसे हुए हम लोग, कौन सा प्रोजेक्ट करें, कौन सा प्रोजेक्ट नहीं करें, बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ में जो मेरा सोशल वर्क था वो भी सिनेमा से ही जुड़ा हुआ था, तो मेरे अपने प्रोडक्शन से, मैंने अपने मेरा अपना प्रोडक्शन जो है उससे मैंने अभी तक 7 फिल्में शूट कर डाली, 7 फिल्में एक साथ। तो आज के डेट में अगर ये जर्नी मेरा 15-16 साल का जो जर्नी है, जो स्ट्रगल जिसको कहेंगे, तो स्ट्रगल जीने और सरवाइव के लिए नहीं था, सपने को पूरा करने के लिए, जो मेरा ड्रीम था। तो उस ड्रीम में आज मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ, दूसरे के प्रोडक्शन में भी फिल्म में काम कर रहा हूँ, और अपने प्रोडक्शन में भी फिल्म में काम कर रहा हूँ, प्लस अपने सिनेमा में जो काम कर रहा हूँ मैं, अपने सिनेमा में उसमें अब तक 82 लोगों को, जिनको आज तक जिंदगी में सिनेमा में काम नहीं किया, वो लोग भी काम कर रहे हैं उसमें। तो एक मोटा मोटी देखा जाए तो बहुत स्ट्रगल, मतलब वो था कि चेजिंग कहेंगे उसको हम, जब सर मैं चेज कर रहा हूँ, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा किसी भी चीज के लिए। एक छोटी सी बात है, जब हम कहा जाता है कि खाना अगर कोई बना के मुंह में डाल देना तो आप ही को चबाना पड़ता है, उसके लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है, इसको चबाना पड़ता है, घोटना पड़ता है, डाइजेस्ट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो स्ट्रगल जो है उससे तो आप बच ही नहीं सकते, करना ही पड़ेगा, तो आपको लगातार कार्य। तो स्ट्रगल से बेहतर शब्द मुझे लगता है कि ये होना चाहिए कि मैं चेज कर रहा हूं, आई एम चेजिंग माई ड्रीम्स। तो आप जब चेज कर रहे हैं, छोटे से शहर से आप निकल के बड़े सपने देखते हैं, तो बहुत दूरी होती है, बहुत फासला होता है, इस फासले में आपको समय लगेगा, बहुत तरह के नकारात्मक स्थितियां भी आएंगी, लेकिन अगर आप डटे रहेंगे, लगे रहेंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, और हम सही रास्ते पे जाएं, सही मार्गदर्शन हो, ये हमें बहुत कम लोग मिल पाता है जो हमको गाइडलाइन देता है। लेकिन पेरेंट्स के साथ और पेरेंट्स के सपोर्ट से अगर हम कुछ भी काम करते हैं, तो पेरेंट्स हमेशा, पेरेंट्स एक ऐसा
ऐसी भूमिका है कि वो कभी भी अपनी औलाद को हानि के बारे में नहीं सोच सकता, कभी भी अपने औलाद को गलत राह पे नहीं भेज सकता। तो पेरेंट्स का होना बहुत जरूरी है कि जहां भटकते नहीं, जब हमारे लाइफ में बुरा वक्त आता है, जब हम डिप्रेस हो जाते हैं, कोई चीजें चाह रहे हम हो नहीं रहा है, जैसे बच्चे आपके यहाँ अगर मान लो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे होंगे और वो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं, अटेम्प्ट किया उन्होंने, एंट्रेंस एग्जाम दिया, नहीं हुआ, तो वो जो नहीं होना होता है वो गलत होता है, अच्छा तो होता ही नहीं है। तो उसमें बच्चे बहुत साइकोलॉजी है, ह्यूमन, हर आदमी इसमें परेशान हो जाता है कि यार मेरा नहीं हुआ, क्या करूं, अब कैसे होगा, क्या होगा, एक साल बर्बाद हो गया, 50 तरह की बातें आती है। तो यहाँ पे पेरेंट्स और टीचर, इन दोनों की एक भूमिका होती है जो बच्चे को शांत कराते हैं, समझाते हैं, बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं बेटा कि एक ही बार में हो जाए, इस तरह के जो दिमाग को फ्रेश करते हैं। तो पेरेंट्स का होना बहुत जरूरी है, मुझे लगता है कि जीवन के कोई भी कार्य करना है उसमें। एक कॉल आ रहा है किसी का, किसका कॉल आ रहा है, आपका आ रहा है क्या? नहीं सर, एक सेकंड। हेलो, आ रही है मेरी आवाज? हाँ हाँ सर, बोला। तो चलता रहा और आज जहां पे हैं सही मुकाम पे है, मन का काम हो रहा है और मन की हर चीजें हो रही हैं। बहुत अच्छा लगता है कि लोग इनवाइट करते हैं कि मैं कुछ मार्गदर्शन दूं, मैं कुछ लोगों को गाइडलाइन दूं, किसी को बताऊं। तो ये तब होता है जब हम सही रास्ते, मैं अगर गलत रास्ते पे होता तो आज कहीं गलत होता, तो मुझे मैं उस लायक होता ही नहीं कि मुझे बुलाए, आप भी बुलाते या कोई बुलाता और मुझसे गाइडलाइन लेता। तो इन सबको मतलब ऐसा होने में एजुकेशन, पढ़ाई, शिक्षा और घर परिवार का साथ, पेरेंट्स का साथ एक बहुत बड़ी भूमिका है इसकी, जो आज मैं आपसे बात जो कह रहा हूं। तो यहां तक पहुंची, बाकी बीच में जो स्ट्रगल का जो टाइम रहा तो मैं ऊपर पर निकल गया, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बच्चे से कुछ सवाल इन लोगों का होगा तो उसमें ही बहुत सारे आंसर्स निकलते चले आएंगे, जो अगर आप इनसे सवाल आपके एक ही बार में हो गए। लेकिन सर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, आपने इस तरह के रोल किए मारने पीटने, साथ में सीएम, क्या सर रोमांस का करना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई एक्टर होगा, शायद ही कोई आर्टिस्ट होगा जिसका मन न करता होगा ये। बेशक कहने में शर्म आता हो, लोग कह नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोग कहने में शर्म आते हैं कि नहीं नहीं हम तो ऐसा नहीं है, ऐसा कोई एक्टर नहीं होगा जिसका मन नहीं करता होगा, और मेरा तो बिल्कुल मन करता है। और बाकी जो 7 फिल्में हैं जो हमने बनाई है, हमारी जो बैनर से फिल्म है, उसमें आपको रोमांस भी मिलेगा, गाना भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और 2 फिल्में मेरी नई प्रोजेक्ट आ रही है जिसमें बातचीत चल रहा है, हाँ। वो एक प्रॉपर रोमांस, रोमांटिक चीज बता देना चाहता हूँ कि सर ऑलरेडी फिल्म प्रोड्यूस भी करते हैं और खास करके बिहार के और झारखंड के लोगों के साथ तो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं और इनकी बहुत सारी आई थिंक शॉर्ट फिल्म्स भी है, क्या है सर? तो आप बच्चे वहाँ पे जुड़े सबके साथ। और सर मेरा एक क्वेश्चन था, बच्चों का भी क्वेश्चन था कि अगर कोई जी सिंगर बनना चाहता है तो वो शुरुआत कैसे करे, क्या क्या बनना चाहता है? तो सिंगर बनना चाहता है, सिंगर जी सर, सिंगर बनना चाहता है तो मतलब सबसे पहले आपको सिंगिंग सीखना पड़ेगा। एक्टिंग को तो लोग आसानी में ले लेते हैं, एक्टिंग मतलब कुछ जैसे लगता है कि सीखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन सिंगिंग में तो आपको रियाज की जरूरत है, बिना रियाज के तो आप सिंगिंग कर ही नहीं सकते। नहीं है कि नहीं, मैं सिंगिंग बिल्कुल नहीं करता क्योंकि उतना समय हम नहीं दे पाएंगे सिंगिंग, तो सिंगर नहीं बनना था। और वो एक्टर से कई गुना ज्यादा मेहनत का काम है, आपको रोज रियाज करना होता है। तो सबसे पहली शर्त हम, क्योंकि आप गा ही नहीं पाएंगे ना, आपको लगता है कि हम घर पे जो गाना गा रहे हैं तो हम सिंगर हो गए, लेकिन जैसे ही आपको पास जब म्यूजिक पर बैठाया जाएगा, 4 म्यूजिक जब बजेगी तो आप सब सुर ताल भूल जाएंगे। तो आपकी आवाज जो है वो नेचुरल हो सकता है, गॉड गिफ्टेड बहुत सुंदर आवाज हो सकती है, लेकिन ये जो सुर और ताल है इसको तो सीखना ही पड़ेगा।
सिंगर जो बनना चाहता है वो उनको सीखना ही पड़ेगा, सीखे कुछ नहीं हो पाएगा। वो तो फिर वही बात होगी कि आप तो घर मोहल्ले में गाना गाएंगे और लोग आपको पसंद करेंगे, उसके आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। जी सर बिल्कुल। प्लस उसके बाद जी सर मैं ये चीज कहना चाह रहा था कि आपके भी बच्चे हैं और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्या आप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहेंगे, डॉक्टर बनाना चाहेंगे, IAS ऑफिसर या बैंक क्लर्क जो भी है, क्या एक्टर भी बनाना चाहेंगे? मेरा बेटा जो बनना चाहेगा वही बनेगा, आपकी कोई ख्वाहिश नहीं है? नहीं, मेरी क्यों ख्वाहिश रहेगी भाई, उसका जो मन है। मेरा मन था एक्टर बनने का, मेरे पिताजी हमको इंजीनियर बना रहे थे, तो हम अपनी ख्वाहिश कैसे रखेंगे? तो फिर पेरेंट्स लोग अगर ये चीज बोलते हैं कि मेरा बेटा ये बने वो बने और बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो उस पेरेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से उनको बताना चाहेंगे? मैं उन पेरेंट्स को ये जरूर सलाह दूंगा, क्योंकि ये बहुत बारीक और बहुत जरूरी चीज है कि अगर हम अपने आप को वाकई में, मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ कि पेरेंट्स अपने आप को कहते हैं कि वो बहुत समझदार हैं, तो समझदारी यहां दिखाएं कि जो नेचर ने बना के भेजा है हमें, उसमें एडिटिंग किसी की बाप की औकात नहीं है कि एडिट कर सके। ये बात साइंस भी कहता है, साइकोलॉजी भी कहता है, धर्म शास्त्र पुराण सब कहते हैं ये बात कि ईश्वर ने बना के भेजा है हर आदमी को अलग। तो हर आदमी का जो, अगर मोबाइल की बात करें, जैसे मोबाइल का सिस्टम होता है, हर आदमी एक मोबाइल है, तो हर मोबाइल का अलग फंक्शन बनाया गया है, वैसे ही हर आदमी का भी ईश्वर ने अपने तरफ से बना के भेजा है कि आप हर आदमी में एक अपनी उसकी खासियत होती है। तो जो पेरेंट्स अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत शिक्षित हूं, मैं तो बहुत समझदार हूं, हम तो बहुत संपन्न घर से हैं, समझदार घर से हैं, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो यहाँ पे पढ़ाई की जो व्यवहारिकता है, ज्ञान यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत है। 2+2=4 होता है, ये पढ़ाई, ये ज्ञान की जरूरत नहीं है उतनी, जितनी ये जरूरत है कि आपका बच्चा या जो इंसान जो चाहता है, अगर उसके मन में काम उसको दिया जाए, सपोर्ट दिया जाए, उसकी स्पीड अलग होती है, उसका इंटरेस्ट लेवल अलग होता है। ये जानना मैं हर पेरेंट्स को कहूंगा कि बहुत जरूरी है कि आपके बच्चे में हुनर क्या है। जैसे हम लोग शादी ब्याह की जब बात आती है तो टिपन नाम का चीज होता है, कुंडली दिखाते हैं हम, कुंडली, तो जो 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 पंडित जी होते हैं वो कुंडली मैच कराते हैं, तो पंडित जी अगर देखा जाए तो उस भाषा में कुंडली मैच कराते हैं, तो कुंडली से पता चलता है कि सामने का जो लड़का है वो किस रुचि का है, किस सोच का है, क्या उसका पसंद है, क्या उसका पसंद नहीं है, वो किस मिजाज का होता है, दिन में ठीक रहता है कि रात को ठीक रहता है, कि कब गुस्सा होता है, कब परेशान होता है, कुंडली ये बताता है। कुंडली ये नहीं बताता कि आप इंजीनियर हैं कि डॉक्टर हैं कि क्या है, ठीक है। लड़की का कुंडली देखा जाता है, लड़की का उससे नेचर पता चलता है कि लड़की को क्या इंटरेस्ट है, भाई लड़की को इसमें इंटरेस्ट है कि इसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्या ऐसा है, और दोनों को मिलाया जाता है कि कितना आपस में कॉमन है दोनों के बीच में, तो अगर कॉमन ज्यादा हो जाता है तो दोनों की शादी हो जाती है, ठीक है। तो वैसे ही जब विचार शादी होगी तो वो यहाँ भी कुंडली की जरूरत है कि हमारा जो बच्चा है वो किस सोच का है, उसको इंटरेस्ट किन चीजों में है, वो सबसे ज्यादा किस चीज करना चाह रहा है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि जाने और उसको उसी को प्रोवाइड करें कि उसमें ज्यादा ज्यादा काम करें। लेकिन बच्चे को बताते हुए कि बेटा तुम्हारा जो एक्स्ट्रा तुम्हारे अंदर जो तुम्हारे पूर्व ईश्वर द्वारा दिया गया है आपको वही करना है, लेकिन एक खास समय तक आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एजुकेशन आपके हर काम में काम आएगा, और एजुकेशन का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि बुरे वक्त में, एक अमिताभ बच्चन साहब ने करोड़पति में एक समय था, करोड़पति में वो हमेशा एक एग्जाम्पल दिया करते थे, एक उनका लाइन ये था कि शुरू में हम लोग शिक्षा के भार को उठाते हैं, किताब बैग डाल के शुरू में हम लोग शिक्षा के भार को उठाते हैं और बाद में शिक्षा जिंदगी भर हमारा भार उठाता है। शिक्षा ये चीज है जहां पे आपके अपने परिवार के लोग, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने दोस्त संबंधी भी आपका साथ छोड़ देंगे, तो शिक्षा कभी भी आपको जीवन में साथ नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए एक खास शिक्षित होना बहुत जरूरी है, लेकिन काम वो कीजिए जो आपको इंटरेस्ट है। तो मैं चाहूंगा पेरेंट्स लोगों से, जैसे मैं अपने बारे में अगर बात करूं,
मेरा बेटा अभी है 12th क्लास में। जी 8th क्लास में जब था तो मुझे समझ में आई और उसने भी मुझसे बोला कि डैडी आई वांट टू बिकम डायरेक्टर, मुझे फिल्म देखना अच्छा लगता है और मुझे फिल्म डायरेक्ट करना अच्छा लगता है। तो मैंने उसको बोला कि मुझे समझ में आया, तो मैंने उससे पूछा, उसके साथ समय दिया, मैंने जानने की कोशिश की कि क्या डायरेक्शन में उसको इंटरेस्ट है कि बस ऐसे ही अट्रैक्शन है। तो मैंने उसको बहुत जांचने के लिए, मेरी जो समझदारी थी जांचने के लिए, उसको बहुत तरह के प्रश्न किए, बहुत तरह के उसको काम दिया कि डायरेक्शन ऐसा होता है, उसको मैंने डराया बेसिकली, डायरेक्शन ये काम होता है, ये काम होता है, वो काम होता है, तुमको ऐसा काम करना पड़ेगा, तुमको वो काम करना पड़ेगा, तुम्हारे पास नहीं है, लॉट ऑफ वर्क इस तरह से। और उसको 4-5 महीने काम दिया कि तुम ये काम करो, और उसने तो जितने स्पीड के साथ, फिनिशिंग के साथ, इंटरेस्ट के साथ वो काम किया, उतना इंटरेस्ट का पढ़ाई नहीं करता था वो। ये बात मुझे समझ में आई भाई, इसको इंटरेस्ट है इसमें तो इसको इसी में जाना चाहिए। तो उससे मैंने बात की और उसको समझाया डायरेक्टर में जाना है तुम जाओगे, बट आपको ग्रेजुएशन करना है, आप ग्रेजुएशन करेंगे उसके बाद इसकी पढ़ाई करेंगे डायरेक्शन की, उसके पहले बीच में आप अच्छे से एजुकेशन लेंगे। ग्रेजुएशन में आपको किसी एक ऐसे में ग्रेजुएशन करना है जो आपके पास एक डिग्री हो, कभी बुरा वक्त हो, बुरे वक्त में काम आए। तो उनको उसने बोला कि होटल मैनेजमेंट का अच्छा लगता है, शेफ बनना मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने कहा कि आप लेंगे, लेकिन तुमको लेना होगा ये सब, नहीं लोगे तो तुम डायरेक्टर नहीं बनोगे। तो वो काम कर रहा है, उसके मार्क्स पढ़ने लगे, उसके मार्क्स पहले आते थे 35%, 36%, जब से मैंने उसको परमिशन दिया और साथ दिया, उसके मार्क्स अभी आते 64%, 70% आते हैं। तो पेरेंट्स से ये कहना चाहूंगा कि सामाजिक मोह माया में, आस पड़ोस में कौन क्या बना मेरा बेटा, सामाजिक कहते हैं ना प्रतिष्ठा में, आप अपने बच्चों का प्राण ना गंवाएं। आज के डेट में बच्चे जो बनना चाहते हैं उनको बनने दीजिए, उनका साथ दीजिए, आपको रिटर्न 100% देंगे, वो 100% रिटर्न्स देंगे। सिर्फ नौकरी ही सब कुछ नहीं है, बाकी के जो काम है उस काम में मेरे पास क्या, आज मैं तो एक्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है मुझे लग गया 15-16-17 साल लग गया, बट आज क्या मेरे मतलब मेरी इज्जत मतलब कम है, मुझे लोग नहीं जानते, मेरे पास पैसा नहीं है, या क्या क्या मैं वो नहीं कर सकता हूँ जो एक जो मेरे दोस्त लोग आज के डेट में कौन कहाँ है किसको क्या पता। मेरे कितने दोस्त हैं जिनको लोगों के सामने बुलाया जाता है बातचीत करने के लिए, समझाने के लिए। आप दूसरों के लायक बने, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों के साथ बैठिए, जानिए कि उसका किस चीज में इंटरेस्ट है, और समझदार बनिए। साइंस क्या कहता है उसको मानिए, साइकोलॉजी क्या कहता है उसको मानिए, आपके धर्म क्या कहते हैं, आपके गीता क्या कह रहा है, आपका धर्म ग्रंथ क्या कह रहे हैं, शास्त्र क्या कह रहे हैं, जब आप अच्छे तरीके से उसको पढ़ेंगे तो सब यही कहते हैं कि हर मनुष्य अलग बना है, हर मनुष्य विशेष है, और जिसमें रुचि है वही कार्य करना चाहिए। ये हमारे कृष्ण भी कहते हैं गीता में, आपके शास्त्रों में कहा गया, सब में कहा गया ये। तो ये समझदारी हम अपने बच्चों के साथ दिखाएं, इसमें ना दिखाएं कि उसका बेटा इंजीनियर बन गया तो मेरा बेटा भी इंजीनियर बने, इंजीनियर बने, उसकी इंजीनियरिंग की डिग्री ले ले वो, लेकिन उस बेटे को कहिए कि बेटा आपका जो सपना पूरा करना है कि आपको सिंगर बनना है, तो आप पहले इंजीनियर बन जाइए, वो आप सिक्योरिटी ले लीजिए, आपको ट्रेनिंग करना होगा, सिंगिंग का ट्रेनिंग कीजिए, साथ में पढ़ाई कीजिए, आप इंजीनियरिंग कीजिए, ताकि आपको सोसाइटी में अच्छा लगे कि भाई बेटा मेरा ग्रेजुएट है, आपको भी अच्छा लगे। और इंजीनियरिंग का आप डिग्री ले लीजिए, जब आपके पास डिग्री होगा तो आप किसी से जाएंगे मिलने के लिए, एक्टिंग के लिए भी, जैसे एक एक्टर जाएगा, मान लीजिए आप एक डायरेक्टर है और एक एक्टर आपके पास जाता है कि सर मैं आपके साथ मैं एक्टर हूं और मैं सर आप मैं चाहता हूं कि फिल्म में काम करूं, तो आप पूछेंगे मुझसे, उस आदमी से, ओके तुम भाई क्या करते हो, तुम कौन हो, कहां तक पढ़ाई लिखाई की है, तो बोलेगा कि सर 10th क्लास तक पढ़ाई की है। और एक लड़का पूछ दूसरा चाहता है ऑप्शन की भाई, बोलेगा कि आप अपने बारे में बताएं, तो बोलेगा कि सर मैं इंजीनियर हूं, मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली है और मैं एक्टर बनना चाहता हूं। इन दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क होगा, सामने वाला किस तरह से लेगा। तो आप अपने लिए पढ़ाई करना है, बच्चों से मैं कहूंगा कि आपको अपने लिए पढ़ाई करनी है, अपनी डिग्निटी के लिए पढ़ाई करनी है, जहां आप चौड़ा होकर कह सकते हैं यस आई एम इंजीनियर, मैं ऐसा बेवकूफ लड़का नहीं हूँ, बेवकूफ लड़की नहीं हूँ जो ये काम करूँ, मैं इंजीनियर हूँ, पेशे से इंजीनियर हूँ, लेकिन मेरा शौक है। तो ये एक कॉम्बिनेशन जो है समझदारी का, पेरेंट्स का, मुझे लगता है कि ये भूमिका पेरेंट्स की है,
जो अपने बच्चे को समझाया है कि बेटा आपका जो डिमांड है वो आप पूरा करो, हम साथ देंगे, और जो हमारा डिमांड है कि आप डॉक्टरेट कर लो एक बार, आप एक बार इंजीनियरिंग कर लो, ये मेरी डिमांड है, तो आप मेरी डिमांड बेटा पूरा कर दो, मैं आपकी डिमांड पूरा कर दूंगा। इतना ब्यूटीफुल तरीके से अगर हम बात करें तो सब स्वस्थ रहेगा, सब हेल्दी रहेगा, सोसाइटी हेल्दी रहेगा, हम मेंटली हेल्दी रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ये मैं पेरेंट्स से जरूर पेरेंट्स से कहना चाहूंगा कि बच्चों के सामने शर्त रखा करें। जैसे मैं अपने बेटे से डील करता हूं, डील वो बोलेगा मुझे कि हाँ, वो बोलेगा अभी मुझे कुछ दिन पहले मेरा बेटा बोल रहा था कि डैडी मैंने न्यूयॉर्क फिल्म इंस्टीट्यूट का पता लगाया है और उसमें मुझे जाना वो जाना है। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन उसके बदले में तुमको मुझे ना पड़ेगा। तो उसने बोला कि क्या, तो मैंने अपनी शर्त रखी उस मैं तुमको अमेरिका भेजूंगा, तुम नहीं करोगे तो मैं तुमको नहीं भेजूंगा। तो उसको प्यार है अपने ड्रीम से, उसको करना ही पड़ेगा, जैसे मेरे पिताजी ने मुझे कहा। तो एक 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 डील जो होता है ना बच्चे के साथ, हम शर्त रखते हैं कि देखो तुम अगर, हम लोग घर में बोलते हैं करते नहीं, जैसे हमारे बाबा जी बोलते थे कि तुम फर्स्ट डिवीजन से पास करते हो तो मैं दूंगा घड़ी दूंगा, हमारे घर में रोजमर्रा की बातें हैं, देते कम लोग हैं, अलग बात है, देना चाहिए, पेरेंट्स खाली बोल के निकल जाते हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स को इस तरह से बात करनी चाहिए कि मुझे लगता है, मैं पेरेंट्स से चाहूंगा, मैं भी पेरेंट्स हूँ, मेरा बेटा 17 साल का है, तो 17 साल के बच्चे का बाप होना, मुझे लगता है कि आपके यहाँ जो इंस्टीट्यूशन में आते होंगे बच्चे बच्चियां 20, 21, 22 इसी के आसपास की उम्र होगी जी सर, उससे नीचे तो जो आपके स्टूडेंट्स होंगे, हाँ उसके नीचे के जो आपके स्टूडेंट हैं उनके जो पेरेंट्स होंगे ऑलमोस्ट मेरे ही एज के होंगे अगर कहा जाए तो। तो मैं उस बेस पे कह रहा हूँ कि मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, इस नाते आप लोग जो पेरेंट्स हैं उनसे जो सुन रहे होंगे अगर, कि मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप बहुत खुल के बच्चों से बात करें, खुल के बात करें, पूछे उनसे कि भाई तेरा, और देखें पूछना क्या है, आप पेरेंट्स है ना, आपको देखना पड़ेगा ना बच्चे को, आपके बच्चे में किस चीज में इंटरेस्ट है, आपकी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स का जिम्मेदारी से पालना पोषना थोड़ी होता है, पेरेंट्स मतलब बहुत कुछ होता है। तो जाने देखे और बच्चे से खुल के बात करें कि भाई तुम क्या बनना चाहते हो, तुम्हारा क्या दिल कहता है, तुम्हारे ड्रीम्स जीवन में क्या चाहता है। तो बच्चा खुल के बताए, उसको माहौल दे वैसा कि बच्चा अपने बाप से खुल के बात करे, अपनी सारी बातें जो जाके दोस्तों को बताता है, गैर लोगों को जाके बताता है कि मैं तो चाहता हूँ ये करूँ वो करूँ ये करूँ वो करूँ, वो पेरेंट्स को, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वैसा माहौल बनाए कि बच्चे उनसे बात करें और उनसे पूछ खुल के बात करें, उसको झिझक ना हो कि मैं अपने पिताजी से आ रहा हूँ बात करने तो पिताजी हमको पिटने लगेंगे, पिताजी हमको गलिया देंगे। सर मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल ऐसे ही रहता हूँ कि उनकी जो भी बातें हैं वो मेरे साथ फ्रैंकली शेयर करें, ताकि मेरे जो भी अनुभव है उससे मैं उनको बता सकूं सही क्या है गलत क्या है, ताकि उनके जीवन में जो अभी उथल पुथल चल रहे हैं ना वो क्लियर हो जाते हैं, उनसे बात करना होता है। तो मैं अभी भी मतलब एज अ टीचर उनको ये चीज हमेशा मैं अपने बच्चों को कम्फर्ट फील करवाता हूँ। जी जी बहुत जरूरी, पेरेंट्स को भी होना चाहिए, पेरेंट्स को ज्यादा होना चाहिए जी, क्योंकि पेरेंट्स के पास, पेरेंट्स के साथ बच्चे ज्यादा समय रहते हैं, ज्यादा समय आप, आपके पास तो 2 घंटे के लिए आएंगे, मेरे पास होते हैं 5 घंटे के लिए आएंगे, बाकी सारा समय तो पेरेंट्स के साथ रहते हैं, पेरेंट्स के साथ होते हैं राइट। तो पेरेंट्स की ज्यादा भूमिका है इसमें कि वो बच्चे को इतना एक लिबर्टी दे, वैसा माहौल पेरेंट्स बनाए कि बच्चे खुल के उनसे बात करें और बच्चे से पूछे कि भाई क्या है, समझे उसको, समझने के बाद बच्चे को सच्चाई बताए कि बेटा अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो एक्टर ऐसे ऐसे बना जाता है, उसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, पेरेंट्स जैसे कैसे गाइड देते हैं, पेरेंट्स गाइडलाइन देते हैं वैसे बताए उनको कि इतना इतना काम करना पड़ेगा, तो आप इसके लिए तैयार है तो ही कीजिए, प्लस आप जब तैयार है वो एक्टर बनने के लिए तो मैं आपके साथ हूं, लेकिन मैं जो चाहता हूं कि तुम बनो आपके भविष्य के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके सुरक्षा के लिए, वो आप बन के हमें दे दीजिए। तो आप इंजीनियरिंग का कोर्स कीजिए, आप इंजीनियरिंग क्रैक कीजिए, आप इंजीनियर का डिग्री लीजिए, उसके बाद आप चले जाइए आप एक्टर बनने के लिए, जब आपको एक्टिंग में काम बहुत दिन नहीं मिले तो उस डिग्री के बेस पे आप कहीं पे जॉब कर लीजिए, आप इंडिपेंडेंट रहेंगे। पेरेंट्स मेरे अनुसार चाहता क्या है, सिक्योरिटी चाहता है, स्टेटस तो है ही, स्टेटस तो अपनी जगह है ही कि स्टेटस चाहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए डॉक्टर बन जाए, स्टेटस तो अपनी जगह है,
लेकिन सिक्योरिटी भी पेरेंट्स चाहता है कि यार ये कुछ बन जाएगा तो उसके लाइफ सिक्योर रहेगा, नौकरी रहेगा, पैसा रहेगा। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे को समझाएं कि तुम्हारा इंजीनियर बनना कितना जरूरी है तुम्हारे लिए। तुम बॉम्बे जाओगे, तुम अगर, ये भी हो सकता है कि तुम इंजीनियरिंग कर लो, जाके कोई कंपनी ज्वाइन। मैं कितने लड़के हैं मैं जानता हूँ, बहुत सारे जिनको मैं, मुझे अपना गुरु टाइप मानते हैं, किट है, KIIT है वहां पे, किट भुवनेश्वर में, वहां के लड़के हैं, भुवनेश्वर के लड़के हैं, कलिंगा के, सब वहां मैं अक्सर जाता रहता हूँ। तो उसमें से IIT के कई लड़के हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो लोग इंजीनियरिंग किया, उन लोगों ने इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने ज्वाइन किया ऑफिस। तो ज्वाइन करने के बाद कोई आसाम में किसी का हुआ, किसी का गुजरात में हुआ, किसी का नहीं हुआ, 2-3 साल प्लानिंग किए, आज 3 साल के बाद वो सब अपना अपना सेटिंग करके ट्रांसफर मुंबई करा लिए, वैसी कंपनी पकड़ रहे हैं जहां जो मुंबई में हो, और यहाँ आके अपना जॉब भी कर रहे हैं, और उस जॉब से समय निकाल के डबल मेहनत, जिसको कहते हैं डबल मेहनत, जॉब के अलावा अपना डबल मेहनत कर रहे हैं कि अपने लिए स्ट्रगल भी कर रहे हैं। और अभी तो चूंकि ऑनलाइन आ चुका है, डिजिटल दुनिया आ चुकी है, तो कैमरा खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, और अपना खुद का सीरीज बना रहे हैं, खुद का पोर्टल बना रहे हैं, बहुत पॉपुलर है। उसमें से एक नाम है बिहारी नंबर वन करके चैनल है, अच्छा, जो बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये पेरेंट्स जो है वो बच्चों को ये समझाए कि भाई तुमको बनना है एक्टर बनो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन मुझे जो चाहिए वो तुमको करना पड़ेगा, और तुम्हारे लिए करना पड़ेगा, अपने लिए करना पड़ेगा। तो उसको समझाया जाए कि भाई तुम करो। तो बच्चे में मुझे लगता है कि इस माहौल में बच्चा बहुत हेल्दी तरीके से समझेगा, और उसके समझ में आएगा कि भाई ये मेरे लिए अनिवार्य शर्त है कि मैं इंजीनियरिंग करूं, कंप्लीट करूं, क्रैक करूं, एक बढ़िया डिग्री होल्डर बनूं, ताकि जब भी मुझे जरूरत पड़े वो मेरे काम आए, और बंबई जाके मैं जाके पहले अपने जॉब करूंगा, साथ में ये करूंगा, कुछ पैसे कमा लूं। 4 साल अगर आप प्लानिंग की बात करें तो मैं तो ये प्लान करूंगा कि जो बच्चे चाहते हैं वो इंजीनियरिंग करें, इंजीनियरिंग करके इंजीनियर बने, 4 साल खूब पैसा कमाए, खूब पैसा कमाए, उसका इतना मोटा पैसा है कि आप बंबई शहर में आके 2 साल भी आपको कमाने की जरूरत ना पड़े, 2 साल आप जम के लोगों से अप्रोच करें, बात करें, मिले। तो ये सब जो स्ट्रेटजी है, ये जो प्लान है, इसमें पेरेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका है। तो समझदारी यहां दिखाएं, समझदारी खाली स्टेटस बनाने में ना दिखाएं। मैं जी मैं ये कहना चाहूंगा। चलिए, मुझे लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स भी समझ गए और बच्चे भी समझ गए होंगे इस चीज से। सर, एक लास्ट क्वेश्चन हमारा है, और बहुत ही ये जो क्वेश्चन है कि ऐसा एक मोमेंट्स बताइए जो आपको बहुत प्रभावित किया हो आपके जीवन में। ऐसा मोमेंट? जी सर, जो जो कि हमारे बच्चों को सीख रहा, स्टूडेंट लाइफ की ऐसी कोई कहानी हो, ताकि उस समय जो बच्चे हैं हमारे, क्योंकि हम स्टूडेंट्स रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो वो बड़ा इफेक्ट करेगा, क्योंकि आपने भी सर स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छे से गुजारी होगी और मजा भी आया होगा, क्योंकि उस चीज को सर हर कोई मिस करता है। आप बहुत सारे हैं, चूंकि मेरा तो बहुत निकल चुका हूँ उसे, मतलब काफी एज हो चुका है मेरा, तो बहुत सारी चीजें एकदम से नहीं आ रही, लेकिन साइंस कॉलेज की घटना जो मैं बता रहा था आपको, मेरा एडमिशन का, वहां मैंने देखा तो अपने आप को तिस्मार खा समझ रहा था मैं, मेरा तो हो ही जाएगा। वहां देखा तो इतने ब्यूटीफुल, मतलब एक्टर लड़के थे जो इतना, जैसे मेरा आपको बता रहा हूँ, मेरा मुझे लगा कि यार ये कितने बढ़िया एक्टर है यार, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, मैं कहाँ उनके सामने, मुझे तो सीखना पड़ेगा, इनके लेवल में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह की घटनाएं बहुत टाइप में हर जगह मिला कि, तो मेरा ये कहना है सब बातों में कि हमको बहुत क्लियर हो के, बहुत क्लीन हो के, दिमाग और आंख, आंख तो खुली रहती है, दिमाग का भी जो ढक्कन है उसको खोल के हमको चीजों को देखना होता है, समझना होता है, एक सिचुएशन, हर एक पल आदमी का, हर एक इंसिडेंस हमें कुछ शिक्षा दे जाता है, बिल्कुल अच्छा या बुरा वॉट एवर हो, ये दे जाता है। तो जितना ज्यादा हम लोग जानने के उत्सुक रहेंगे, ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है, तो बुद्धि खुलता है। बाकी कुछ कुछ बातें ऐसी है, जैसे मेरा एक दोस्त था जो कि कभी फिल्म से जुड़ा नहीं था, वो मुझे अभी 6-7 साल पहले उसने ऐसा पूछा, बोला मुझसे कि अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसा क्यों होता है कि नसरुद्दीन शाह बहुत बढ़िया एक्टिंग करते हैं, मनोज वाजपेयी बहुत बढ़िया, मतलब मनोज वाजपेयी का नाम सुनते ही ऐसा लगता है अरे यार क्या एक्टर है,
तो ऐसा क्या नेचुरल। होता है उनके अंदर कि हाँ नेक्स्ट टेबल, तो ऐसा क्या है कि वो नेक्स्ट टेबल है। तो मैंने बोला कि यार इतने सालों का एक्सपीरियंस है उनका, इतने सालों से काम कर रहे हैं। तो कह रहा है कि मुझे नहीं पता है, मैं इस फील्ड का आदमी नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है, जो मैं चाहता हूँ एग्जाम्पल बताना, शायद हो सकता है कि कुछ फायदा हो। तो उसने बोला कि जैसे मुझे लगता है बिल्कुल कि सर्कस में जब हम देखने जाते हैं सर्कस, तो सर्कस में एक आइटम आता है जहां पे साइकिल चलाते हैं लोग, और साइकिल जो चलाते हैं वो आराम से साइकिल चलाएंगे, फिर साइकिल पर बैठे रहेंगे, साइकिल को उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे, टायर पलट देंगे, एक चक्के पर चलाएंगे, पता नहीं क्या क्या करते हैं सर्कस वाले। तो उसने ये कहा कि मुझे लगता है कि जब हम कोई भी चीज शुरू करते हैं, तो साइकिल अगर एग्जाम्पल मान ले, तो हम शुरू करते हैं कि पहले मन में बात आती है कि यार साइकिल चलाना है, फिर हम साइकिल को बाहर निकालते हैं और हाथ से ऐसे डुगुत, मतलब उसको ऐसे लेके चलते हैं, फिर कुछ देर बाद हमारे अंदर बढ़ता है जिज्ञासा, तो हम पैर अंदर डालते हैं, कैंची जिसको बोलते हैं, कैंचियां चलाते हैं, फिर हमारे अंदर और जिज्ञासा बढ़ती है, तो धीरे से हम ऊपर सीट पर बैठना शुरू कर जाते हैं, फिर हम और जिज्ञासा बढ़ती है तो उसको आराम से सीट पर बैठ के कहीं भी चलाना, ग्राउंड से बाहर निकल के हम गली मोहल्ले में चलाना शुरू करते हैं, फिर हम चलाते हैं तो आराम से एकदम निकल के मार्केट रोड कहीं भी आराम से साइकिल पर बैठे हुए टनाटन एकदम लहरिया कट मारते हुए निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है। और करते हैं तो दो चार दोस्त को बिठाते हैं, को आगे बैठाएंगे, को पीछे बैठा लेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ बैठा के चल देते हैं हम। तो अब तक इसमें एक होता है कि हम साइकिल जो है, ये साइकिल जो है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को जो है वो उसके अनुसार हम चलते रहे। पहले ऑब्जेक्ट हम पे भारी था, साइकिल भारी था, इसलिए हम उसको दुला रहे थे, फिर साइकिल थोड़ा ऑब्जेक्ट को कम किया तो हमने चलाना शुरू कर दिया, फिर ऑब्जेक्ट को हमने थोड़ा कम किया तो उस पर बैठ के चलाने लगे। और सर्कस वाले जो लोग हैं, ये ऑब्जेक्ट भारी नहीं, ये ऑब्जेक्ट को घुमाते हैं लोग, तो ये ऑब्जेक्ट को घुमाते हैं मतलब मजा लेते हैं, उसने कहा कि इंजॉय करते हैं, उनको प्रेशर नहीं होता कि साइकिल चलाना है, धक्का ना लगे, कहीं कोई गिर ना जाए, तो प्रेशर नहीं होता है, सर्कस वाले मजा लेते हैं, इंजॉय करते हैं। तो मुझे लगता है कि उसने कहा कि वो लोग इंजॉय करते हैं इसलिए बड़े एक्टर हैं, उनको इस बात का प्रेशर नहीं कि हमको अच्छा एक्टिंग करना है। तो जी मुझे सर, लगता है कि किसी भी काम में, जीवन में किसी भी काम में, कोई भी काम हो, हम जब उसमें एंजॉय करने लगेंगे तो उसकी स्पीड वैसे ही बढ़ जाएगी। अगर पढ़ने पढ़ रहे हैं, एंजॉयमेंट आ जाएगी पढ़ने में, जब पढ़ाई को एंजॉय कर रहे हैं, सामने जो एक बड़ा सा मैथमेटिक्स का कोई एक फॉर्मेट आता है, मैथमेटिक्स का कोई फॉर्मूला आता है, उसको देख के हम डर जाएंगे, तो अरे बाप रे साला ये क्या दिया, तो डर जाएंगे, लेकिन उसको ये कहेंगे हम, अगर उसको ये सोचेंगे मन में कि अच्छा अच्छा बेटा तुम आ गए हो, आ जाओ आओ बेटा, तुमको वैसा फॉर्मूला लगाएंगे कि सॉल्व कर देंगे। तो ये जो घटना थी वहां से मुझे समझ में आया कि जीवन में कोई भी चीजें हो, कोई भी चीज, हम अगर हम उस चीज को एंजॉय करने लगे, हम उसको उसके साथ खेलने लगे, उसके साथ फ्रेंडली हो गए, हम लोग दोस्त की तरह बिहेव करने लगे उस चीज के साथ, तो आधी से ज्यादा समस्याएं आपकी दूर हो जाती है, और सोचने का नजरिया बदल जाता है, चाहे कोई भी कार्य हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे आपके शौक हो, चाहे आपके सपने हो। बिल्कुल, ये एक बताऊंगा। एक्चुअली सर, हम लोग का जो शो था वो 40 मिनट्स का था, कब 1 घंटा बीत गया, आपसे बात करें हम चाहेंगे कि शो को समाप्त करें, लेकिन सर लास्ट क्वेश्चन सर, ये ग्रहण का जो वेब सीरीज है, ग्रहण जो वेब हाँ। सीरीज है, उसका सीजन 2 भी आने वाला है, ये जरा जानकारी दे दीजिए। मैं देख जानकारी देखिए, जानकारी मुझे भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने जब देखा है तो हम तो जब कर रहे थे तभी से पता था कि इसका पार्ट 2 आया, क्योंकि पार्ट 2 में क्या गेम होने वाला आपने देखा इसलिए पता है। तो पार्ट 2 में पूरा गेम अपना है, मेरा ही है गेम, ठीक है। तो यहाँ तो हम लोग भी रहे, लेकिन मैंने पूछा, हमारे जो प्रोड्यूसर है उनसे मैंने भी पूछा, सवाल मुझसे 50 लोग पूछ रहे हैं कि पार्ट 2 तो आ रहा है, पार्ट 2 तो आ रहा है ऐसा। तो मैंने भी अपने प्रोड्यूसर से, राइटर से पूछा कि पार्ट 2 का क्या है, तो उन्होंने बोला कि बताते हैं, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत बड़ा बेवकूफ होगा प्रोड्यूसर जो इतने हिट सीरीज का पार्ट 2 नहीं बनाएगा, नहीं बना। तो बनना निश्चित है,
क्योंकि जिस मूवमेंट पे वेब सीरीज ने छोड़ा है वहां पे, तो वहां से तो साफ लगता है कि चीजें आएगी, ठीक है। और उसके बाद मुझे लगता है कि जिस तरीके का जो खुल रहा है रहस्य, वो आने वाला सीजन में तो और जबरदस्त है। आपका रोल तो और अहम है उसमें। जी जी, तो वो तो ग्रिप है स्टोरी में, उसके अलावा वो अलावा इसके व्यूअर्स हो गए 6.2 मिलियन, तो जिसको हिट कहा जाता है, तो मार्केट में हिट है, तो कोई भी समझदार आदमी हिट चीज को मरने नहीं देगा, कैश करेगा उसको, तो 100% आएगी, आने वाली है। अगर आपने ये वेब सीरीज नहीं देखी है ग्रहण, तो आप जाइए अपने हॉटस्टार पे और वहां पे ग्रहण, और आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के देख सकते हैं, इतना शुद्ध है, आप अपने परिवार के बच्चों के साथ, परिवार दादा दादी के साथ बैठ के देख सकते हैं, एकदम गाली गलौज नहीं है इसमें, एकदम गंदी बातें नहीं है, कोई गंदा सीन नहीं है, एक गंदी गाली नहीं है, कुछ नहीं है, तो देखिए आप लोग। अमेजन प्राइम वीडियो पे आप शेरनी देख सकते हैं, महारानी देख सकते हैं, महारानी तो महारानी, हाँ महारानी है सोनी लिप पर, हाँ, और शेरनी है अमेजोन पे, और ये है अपना ग्रहण है डिज्नी हॉटस्टार। तो बच्चों आप लोग इस मूवी को जरूर देखिए, और साथ ही साथ सर को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और सत्यकाम आनंद से आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। और सर आपके जितने भी सपोर्ट हमेशा करते हैं, मुझे भी सपोर्ट करते हैं और मुझे भी मोटिवेट करते हैं, और मैं तो भाई आज मुझे सर बोलना पड़ रहा है, मैं इनको भैया बोलता हूँ प्यार से हमेशा, मेरे लिए बड़े भाई की कहानी है। तो हम लोग टीम है, हम लोग बिल्कुल एक टीम है, टीम की तरह काम करते हैं, आप छोटे भाई है, बिल्कुल हम टीम के साथ काम करते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग का जो सक्सेस है अभी जिस एज में है आप लोग, आपके साथ बहुत दुनिया अभी बाकी है, आपने जो जिया अभी जो जिया है ना दुनिया, वो अभी स्टार्टिंग है, जैसे मूवी का जो ट्रेलर होता है वो ट्रेलर है, आप लोग ट्रेलर है, और अभी पूरी मूवी तो सिनेमा बाकी है, पूरी फिल्म बाकी है, सिनेमा बाकी है, और इस शोक से का हमारा मकसद भी यही है कि आप लोग के जीवन में जो चीज आगे आने वाली जो कठिनाइयां है उसकी सॉल्यूशन आपको मैं इसी शो के अंदर दे दूं, ताकि आपको कभी कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़े, कहीं मोटिवेट होने की जरूरत नहीं पड़े, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, एकदम होल पैकेज यहाँ। तो मैं थोड़ा सा सर अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बता दूं कि अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो IIT इंजीनियरिंग करना और वो चाहता हो कि करे, तो हमारे लिए एकदम खुला ऑफर है। आप लोग हम जिस तरीके से मैंने बोला कि हमारे हम पढ़ाई के साथ साथ आपके कैरियर आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट रखते हैं उससे भी रिलेटेड मैं आपसे बातें करूंगा। और सर आप हम सबके फेवरेट सर और चहेते सर उनसे इनको सर थोड़ा धन्यवाद कर लीजिए क्योंकि सर आए हुए हैं। सत्यकाम सर आपकी आवाज तो क्रैक कर रही है, मुझे लगता है शायद अभी तक आपका क्लियर लाइव खत्म हो रहा है। दिनेश चाचू सर जुड़े हुए हैं लाइव पे, आपका नेटवर्क का कुछ इशू दिखा रहा है। चलिए ठीक है, अभी अच्छा काम करते हैं, और आप सारे बच्चों से मैं दो चीजें जरूर कहूंगा कि आप लोग भी पेरेंट्स से बात करें, अपने दिल के बात खुल के अपने पेरेंट्स से कहिए, उनसे ज्यादा करीबी दुनिया में कोई नहीं होता है, और हमारा पूरा समय उनके साथ देता है, बचपन से लेकर हम लोग करते हैं, तो इतनी चीजों महसूस करें, अपने पेरेंट्स से खुलकर बात करें। पेरेंट्स से भी मैं चाहूंगा कि प्लीज आप भी अपने बच्चों को, उस बच्चा वो आपका शरीर का अंश होता है, आपके शरीर से बाहर आता है, फिर आप उसके शरीर में आता है, गोद में आता है, उस बच्चे को बात करने से नहीं होता, तो एक दूसरे से एक मिले, बातचीत करें, समझे, और व्यवहारिक रूप में खाली इमोशन में भावना में न बहे, चीजों को समझे, पेरेंट्स अपनी भूमिका निभाए, और बच्चे आप लोग तो कम से कम पढ़ाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप फंसे समय ऐसी स्थिति में फंसे जहाँ पेरेंट्स आपको कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर, तो आप लोग पढ़िए, आप लोग डिग्री एक तो जरूर जीवन में लीजिए, लेना ही पड़ेगा डिग्री, ये समझदारी है, और तभी भी उसके अलावा फिल्म से जुड़ी हुई और चीजें हैं, आप लोगों को लगे ऐसा कुछ मन में बात और भी, आज तो हमारी एक घंटे की बात हुई, आप मृणाल से बात कर सकते हैं, उनके थ्रू हमारे तक बात पहुंच सकती है, पहुंच जाएगी, मैं करूंगा, क्योंकि ये मैंने काम करता हूँ, मेरा काम मैंने चुना है, लोगों को मार्गदर्शन दूं, मैं लोगों को बताऊं, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, और आप लोग देखिए मेरा शेरनी चुन देखिए, ग्रहण देखिए, महारानी देखिए, महारानी चलेगा, उसमें थोड़ा सा गाली वाला छोड़ दीजिए चलेगा, ये दोनों जरूर देखिए, और फॉलो कीजिए मुझे भी, ताकि आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे तो आप लोग को अपडेट्स रहेगा, आप मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर पाएंगे, तो सॉरी एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया सर का लाइव, एक्चुअली नेटवर्क इशू है।
तो बच्चों हमारे साथ जो हमारे गेस्ट थे वो आप लोगों को बहुत सारी जानकारी दी उन्होंने और आप लोगों को बताया कि किस तरीके से जीवन में आप अपने सक्सेस को पा सकते हैं। और काफ़ी अच्छा लगा उनसे बात करके। और अगर आप चाहते हैं, आप भी एक सिंगर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं या डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी बनना चाहते हैं, तो आप हमारे थ्रू आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ लगे तो आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, मैसेज कीजिए। और हाँ, साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यही जो चीज़ है जो हमें मोटिवेट करता है आपके साथ जुड़ने का। और ताकि मैं नेक्स्ट संडे, आने वाले संडे आपके साथ मैं बहुत ही बेहतरीन गेस्ट के साथ फिर से आपके साथ मिलूंगा, और आपके जीवन की वो हर परेशानियों को मैं दूर करने का मैंने ये जिम्मा उठाना है। तो आप लोग भी इसका साथ जरूर दें, और साथ ही साथ हमारे इस YouTube वीडियो का जो लिंक है अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ और सभी लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी ये महत्वपूर्ण जानकारी उन तक पहुंचे। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं इंजीनियरिंग करना, तो आप मेरे इंस्टीट्यूट में आइए, हमसे बातें कीजिए, हम आपका हर संभव सपोर्ट करेंगे। किसी भी परिस्थिति में हो, हम आपका सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे, हमारी टीम आपके साथ होगी। तो चलिए, यहाँ तक काफ़ी समय हो गया, क्योंकि हम लोग 40 मिनट का ही शो करते हैं। बात करते हुए मुझे पता नहीं चला कि एक्चुअली कब 1 आवर हो गया। तो चलिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।